हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस की सीरीज में देखते हैं इथेन टू मीथेन। इथेन में कुल मिलाकर दो कार्बन है और मीथेन में कुल मिलाकर एक कार्बन है। टू कार्बन कन्वर्टेड इनटू वन कार्बन, तो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में हमें कार्बन निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, दो कार्बन को हमें एक कार्बन में कन्वर्ट करना है। अब आपको कार्बन डिक्रीज करना है, तो कार्बन डिक्रीज करने के लिए आपको डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको कंपलसरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो इथेन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, उसको कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। तो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहां से देखें। चलो सबसे पहले तो मैं लेता हूं इथेन। इथेन इसकी रिएक्शन में करवा लेता हूं Cl2 से। तो ये है फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन माइनस HCl, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। तो ये हो चुका है CH3CH2Cl, ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। अब ये जो इथाइल क्लोराइड है ना, ये अपना प्राइमरी है, ठीक है ना। तो इसको Cl निकाल करके मैं क्या लगाना चाहता हूँ, OH। तो NaOH aqueous के साथ या तो KOH aqueous के साथ इसको मैं गर्म करूंगा। तो ये हो चुका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन में गर्म करेंगे, ये Na और ये Cl निकल जाएगा माइनस NaCl। ये मैकेनिज्म कहलाएगी SN2। क्यों SN2, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2OH, ये बन चुका है आपका इथेनॉल, ठीक है ना, जो के है प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैं गर्म करूंगा KMnO4H+ के साथ। तो पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के अंदर। फिर से गर्म करना चालू रखूंगा तो पहले इथेनॉल जो बना है ना, वो अब बन जाएगा इथेनॉइक एसिड। हालांकि ये स्टेप स्किप करके आप डायरेक्ट भी इथेनॉइक एसिड लिख सकते हैं, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। अब इसको, इसमें से अगर मैंने ये CO2 निकाल दिया तो मीथेन बन जाएगा। करना क्या है पता है, करना है उसको NaOH और CaO के साथ गर्म करना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडा लाइन। और इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा। और ये जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लिखते जरूर है, लेकिन बनता है CaO और CO2 मिक्स होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन अभी के लिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया है। तो ये इथेन मीथेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो एक बार पूरा देख लें और खुद अपने आप से एक बार पूरा सॉल्व जरूर करें, तभी जाकर के आप एग्जाम में उसे सही परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये इथेन टू मीथेन है, किसी भी अल्केन को अगर आप लोअर अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यही टेक्निक यूज करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।